Good morning, students. So today, class 12th, our new topic is drift velocity. We are dealing with chapter number 2, current electricity. This is class number 2 of second unit, that is drift velocity. हमने पहले पढ़ा था, इससे पहले करंट पढ़ा था, करंट की बेसिक्स पढ़ी थी लास्ट क्लास में, करंट इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ रहे हैं. आज पढ़ेंगे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी आपने पढ़ी है, वेलोसिटी तो आपने बेसिक क्लासेस में पढ़ा होगा, पढ़ी होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. आज हम पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है, डेफिनेशन लिखते हैं पहले. It is defined as the average velocity electrons drift velocity hoti kya hai average velocity. Which free electrons in a conductor is drifted. Positive end of the conductor. When potential difference is applied across the conductor, अब drift velocity क्या है? It is defined as the average velocity with which the free electron in the conductor is drifted toward the positive end of the conductor when पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर. अब जो है इसमें है एवरेज वेलोसिटी किसकी? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की. कंडक्टर्स में ड्रिफ्ट होते हैं किस तरफ? पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर वेयर पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर. एक कंडक्टर लेते हैं, दिस इज कंडक्टर. दिस इज कंडक्टर ऑफ लेंथ एल. इतना बड़ा कंडक्टर है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका. इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और आयंस है. फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, आयंस क्या होंगे, मैं बताता हूँ. फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इसमें पूरे, ये रैंडम मोशन कर. अब कंडक्टर इस तरह से एटम, इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है आउटर सरफेस पे, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे. अब जो है अंडर द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड या थर्मल वाइब्रेशंस, ये इलेक्ट्रॉन जो है जब यहाँ से निकलेगा डिस्प्लेस हो जाएगा इतनी डायरेक्शन में, थोड़ा सा दूर डिस्प्लेस हो जाएगा, ये लूज कर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये डिस्प्लेस हो गया थोड़ा सा अंडर द प्रेजेंस ऑफ ए सम एक्सटर्नल फील्ड. अब जब ये डिस्प्लेस हो गया, ये बन गया फ्री इलेक्ट्रॉन. अब ये फ्री है, एटम के अंदर से जब इलेक्ट्रॉन जो है निकल गया तो अब ये फ्री है, क्योंकि यहाँ तो इसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लूजली बॉन्ड था, लेकिन उसके साथ जब ये यहाँ से निकल गया यहाँ, तो एक चार्ज यहाँ आया पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया आयंस.
ये आयंस है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब आयंस जो है पॉइंट्स पे, ये जो है आयंस जो है फिक्स्ड होंगे इसमें, ये फिक्स्ड पोजीशन पे होंगे। इलेक्ट्रॉन्स जो है ये रैंडम मोशन करेंगे, कोई इस तरफ करेगा, कोई इस तरफ करेगा, कोई इस तरफ, कोई इस तरफ, जितने भी इलेक्ट्रॉन है सब अपनी अपनी तरह से रैंडम मोशन करते जाएंगे कंडक्टर में। लेकिन अभी जो एक्सटर्नल फील्ड के साथ हमने कनेक्ट नहीं किया बिफोर अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस, अभी पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई नहीं किया था। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये रैंडम मोशन कर रहे हैं बिल्कुल। कंसीडर कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड एरिया, ए एरिया ये आ गया लेंथ ए। अब फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें से, इसमें कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे जितने भी होंगे। लेट एन बी द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें है फ्री इलेक्ट्रॉन, ये है इलेक्ट्रॉन ई नेगेटिव, ये जो इस डायरेक्शन में इस रैंडम मोशन कर रहे हैं, ये एक दूसरे के साथ कोलाइड भी कर रहे हैं, रैंडम मोशन भी कर रहे हैं, किसी तरफ किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं कर रहे, किसी भी तरफ रैंडमली घूम रहे हैं कंडक्टर के अंदर। अब एन बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग विद वेलोसिटीज यू वन यू टू यू थ्री, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दूसरे की तीसरे की इसी तरह से सो ऑन अप टू एन, एन इलेक्ट्रॉन्स की ये वेलोसिटीज है। कब, अभी जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई नहीं किया, एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, यू वन यू टू यू थ्री प्लस सो ऑन अप टू एन अपान एन, जितने नंबर जितने होंगे उनके जितने इलेक्ट्रॉन हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन थे और उनकी वेलोसिटीज ये है यू, इनिशियल वेलोसिटीज ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ये थी एवरेज वेलोसिटी, कब इनिशियल एवरेज वेलोसिटी, इनिशियल या एवरेज वेलोसिटी यू जीरो के इक्वल होगी, क्यों, बिकॉज ऑफ द रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये जो है रैंडम मोशन कर रहे हैं, इस पे कोलाइड कर रहा है, इस पे कोलाइड कर रहा है, दूसरे पे तीसरे पे कोलाइड करते करते कंटिन्यूसली एनर्जी लूज करता जा रहा है और वेलोसिटी जो है इसकी जीरो हो जाती है, इनिशियली जो है वेलोसिटी इसकी जीरो है। यहाँ तक आया समझ में, हमने एक कंडक्टर लिया उसमें जब फ्री इलेक्ट्रॉन जो है रैंडमली मूव कर रहे हैं, ये तो लैटिस पॉइंट्स है, पॉजिटिव आयंस वगैरह जो है ये लैटिस पॉइंट्स है, ये फिक्स्ड है अपनी पोजिशन पर, इलेक्ट्रॉन जो है ये रैंडमली मोशन कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं। हमने एक कंडक्टर लिया लेंथ एन एल और उसका एरिया ए, एन बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटीज यू वन यू टू यू थ्री सो ऑन अप टू एन, ये हर इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स की अपनी अपनी वेलोसिटी है। अब एवरेज वेलोसिटी, हमने एक एवरेज वेलोसिटी निकाली, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वेलोसिटीज टू द जितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये जो है टोटल इक्वल टू जीरो है, क्यों है, बिकॉज ऑफ द रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या करते हैं हम, यही कंडक्टर है, लेंथ एल, ये कंडक्टर है, इसको हम बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स इस
इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्या होगा जब हमने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड होगा क्या? नाउ लेट कंडक्टर इज कनेक्टेड टू द बैटरी वी, इसके साथ कनेक्ट किया, उससे क्या होगा? बैटरी अप्लाई करने से हमें, हमने जब कंडक्टर के अक्रॉस में ये यूज किया पोटेंशियल बैटरी, उससे क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है अलाइन हो जाएंगे एक डायरेक्शन में, यूनिडायरेक्शनल जो है एक डायरेक्शन में फ्लो कर जाएंगे। ऑन अप्लाइंग जो है, जब हम इसको अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस करेंगे तो इलेक्ट्रॉन विल बी ड्रिफ्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। हमने यही पढ़ा, एवरेज वेलोसिटी विद विच द फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ अ कंडक्टर, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, कंडक्टर ड्रिफ्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। हमने पोटेंशियल डिफरेंस ये अप्लाई किया और ये जो है ड्रिफ्ट हुए पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, ये है पॉजिटिव एंड, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हुए पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। अब पॉजिटिव एंड पे कनेक्ट है, अब क्या होगा? यहाँ पे फोर्स कौन कौन से, फोर्स कौन कौन से एग्जर्ट कर रही है? यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था एक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने पढ़ा था। फोर्स कितनी है, फोर्स एग्जर्ट कितनी कर रही है? फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन कितनी फोर्स लगेगी? क्यू एंड ई, ठीक, ये है फिजिकल टू क्यू ई। अब एफ क्यू क्या है? चार्ज है, चार्ज इलेक्ट्रॉन का, ई और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट यहाँ पे। अब जो है ये इलेक्ट्रॉन्स है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन्स का मास भी होता है, एम बी था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब किसी, अगर इलेक्ट्रॉन्स का मास है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, यही था सेकेंड लॉ, मास इनटू एक्सेलरेशन। थर्ड ये था न्यूटन सेकेंड लॉ से। अब किसी बॉडी का मास जो था, मास है तो एक्सेलरेशन जो है फोर्स कितनी एक्ट करेगी, एफ इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकेंड लॉ। अब फ्रॉम इक्वेशन टू एंड थ्री ऐसे लिख सकते हैं इसको, मा एम ए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ई ई अपॉन एम, ठीक है, फोर्थ इक्वेशन। अब ये एक्सेलरेशन क्या आ गया, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास, ये अब आया एक्सेलरेशन किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, वेक्टर क्वांटिटी है यह एक्सेलरेशन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन
जब एक्सेलरेशन इट इज ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जो फर्स्ट इक्वेशन में हमने लिखा था यू वन वगैरह यू वन यू टू यू थ्री सो ऑन, वो किस वक्त था जब जो है पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई नहीं किया था। अब ये है कि यहाँ पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया और यहाँ पे जो है जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हुआ तो यहाँ पे इनने मोशन ये अलाइन हुए एक डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में अलाइन हुए टुवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर और इन इलेक्ट्रॉन इनकी फाइनल वेलोसिटीज क्या आ जाएंगी, फाइनल वेलोसिटीज। बेसिक क्लासेस में आपने एक पढ़ा होगा काइनेमेटिक्स में वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, अलेवेंथ में पढ़ा होगा यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ऐसी इक्वेशन भी पढ़ी होगी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस वन अपॉन टू ए टी स्क्वायर, ऐसी इक्वेशन पढ़ी। ये इक्वेशन हम यहाँ यूज करने वाले हैं। यू क्या थी वहाँ फाइनल वेलोसिटी, यू आ गई थी इनिशियल, वी फाइनल, ए एक्सेलरेशन, टी टाइम। अब फाइनल वेलोसिटी मानते हैं हम वी वन वी टू सो ऑन अप टू वी एन, बी देयर फाइनल वेलोसिटीज, फाइनल वेलोसिटीज। फाइनल वेलोसिटी कैसे आ जाएगी, ये अप्लाई ये यूज करो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी यू प्लस ए टी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के हमने नोट करना है यू वन प्लस ए, एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट है टाइम टी वन। सेकेंड इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी यू टू प्लस ए टी टू। इसी तरह से थर्ड यू थ्री प्लस ए टी थ्री सो ऑन। nth की आ जाएगी वी एन यू एन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है टी एन। ठीक है, अब जो है एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी इसकी, एवरेज फाइनल वेलोसिटी, एवरेज वी एवरेज वी वन वी टू जितनी वेलोसिटीज है अपॉन जितने ठीक है इस तरह से आ गया है। सब्स्टिट्यूट वैल्यूज ऑफ यू सॉरी वी, ये इनिशियल वेलोसिटी है इनकी फाइनल वेलोसिटी, वी वन यहां से यू वन फाइनल वी वी वन यू वन प्लस ए टी ए टी वन। इसी तरह से सेकेंड वेलोसिटी वी टू यू टू प्लस ए टी टू प्लस यू थ्री प्लस ए टी थ्री प्लस सो ऑन यू एफ एन प्लस ए टी एन। टोटल कितनी इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन। ठीक है, वी U1 प्लस U2 प्लस U3, ठीक है U1 U2 U3 इसी तरह से आ जाएगा सो ऑन यू एन अपान एन प्लस ये क्या रह गया ए टी वन ए टी टू ए टी थ्री सो ऑन अप टू ए टी एन अपान एन। ये एन यही है, एलसीएम कॉमन ले लोगे वही चीज़ आ जाएगी दोबारा से। यू वन यू वन इनिशियल वेलोसिटीज को मैंने एक साइड में ले लिया, बाकी एक्सेलरेशन एंड टाइम का मल्टीपल जो है नेक्स्ट साइड अगली साइड ले लिया। अगर एलसीएम कॉमन लेता हूँ यही टर्म आ जाती है। अब यहाँ पहुँचे हम, रिकॉल करो इक्वेशन नंबर वन। इक्वेशन नंबर वन में हमने ऐसे लिखा था U is equal to U1, U2 plus so on UN upon N, जीरो के इक्वल लिखा था। इक्वेशन नंबर वन देखो,
from equation number वन. इक्वेशन नंबर वन में ये चीज़ जीरो हो जाएगी, ये वाली चीज़ फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन वी एवरेज, ये भी एवरेज ही है सारी, एवरेज निकाल रहे हैं हम. एवरेज ज़ीरो प्लस ए, ए कॉमन सब में से टी वन प्लस टी टू प्लस सो ऑन अप टू टी एन अपॉन एन. वी एवरेज आ गई, यानी आपके एवरेज वेलोसिटी ए टाउ अपॉन एन. ये टाउ क्या होता है? टाउ इज इक्वल टू टी वन प्लस टी टू प्लस सो ऑन अप टू टी एन. इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम. रिलैक्सेशन टाइम होता है एवरेज टाइम बिटवीन द टू टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन्स. ये आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी. और कंडक्टर में जब हमने इलेक्ट्रॉन लिए थे इस तरह से, जब वो एक दूसरे के साथ स्ट्राइक कर रहे थे, कोलाइड कर रहे थे, एक बार कोलाइड किया उसी को दूसरी बार जब कोलाइड किया उसके बीच में जो एवरेज टाइम है वही एवरेज, वही हो गया रिलैक्सेशन टाइम. एवरेज टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम. यहाँ पहुँच रहे हैं, ये है इक्वेशन नंबर सिक्स. देखिए एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने निकाली हुई है फ्रॉम या पुट इक्वेशन फोर इन सिक्स. सिक्स इक्वेशन नंबर फोर हम सिक्स में सब्स्टिट्यूट करेंगे. वी एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू ई अपॉन एम एक्सेलरेशन टाउ बाय एन. एवरेज वेलोसिटी, वी एवरेज अपॉन एम टाउ इनटू एन. यह है आपका एवरेज वेलोसिटी या ड्रिफ्ट वेलोसिटी. वी एवरेज, इसी को हम ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कहते हैं. एम इनटू टाउ यह ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यही है एवरेज वेलोसिटी, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी. अब हमने पढ़ा ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन द व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर. ये इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो टुवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, सो हम कहते हैं फ्री ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी. और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की ये डेरिवेशन थी यहाँ तक. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है होती है एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स वन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर. ये थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी. अब हम नेक्स्ट में रिलेशन पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन आई करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. थैंक यू.